सिर्फ सुनना नहीं है, अमल भी करना होता है। अब तुम्हें सीरियसली अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्यों भाई, मैं तुम्हें जिंदा बुरा लगता हूँ? क्या मतलब? इंसान ने सिर्फ जिंदा ही नहीं रहना होता, खुश भी रहना होता है ना हमने। भाई मैं किसी को ढोल की तरह अपने गले में लटकाकर खुश नहीं रह सकता। तुम्हारा कहने का मतलब है मैं जुनेद के गले में ढोल हूँ? नहीं देखो, तुम जुनेद का सर का ताज हो, बल्कि मैं कहता हूँ तुम इस दुनिया का वाहिद अच्छा पीस हो। No doubt. अच्छा देखो, लड़की तुम्हें जरूर अच्छी लगेगी, देखो बहुत डिफरेंट है। सबा प्लीज, मैं इन सारी लड़कियों को, सारी बीवियों को देख चुका, सब एक जैसी होती है, सेल्फिश एंड इगोइस्टिक, अपने लाइफ पार्टनर को रोबोट की तरह चलाना चाहती हैं, दैट्स ऑल। नहीं, ये ऐसी नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है। क्यों? हाँ, ये दुनिया से बिलोंग नहीं करती, मार्स से आई है क्या? आप, तुम्हारे लिए अब मार्स से तो कोई लड़की आने से रही। ओ भाई, वो जहाँ से भी हो, मगर मैं इस दुनिया की किसी भी लड़की के चक्कर में आऊंगा नहीं। अच्छा मतलब तुम सारी जिंदगी अकेले रहोगे? हाँ हाँ, हो भी सकता है। क्या हो गया है? देखो, ये मामा की कजन की बेटी है, तुम्हें पसंद भी करती है। What? जुनेद। क्या जुनेद? देखो भाई, तुम मॉम की कजन की बेटी लाई हो, हाँ, तो डैड भी अपनी पसंद दिखाने के लिए किसी को भेजेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो बंदा तुम्हारा हस्बैंड होगा। ओ भाई, तुम दोनों किस चक्कर में पड़ गए हो यार? किसी चक्कर में भी नहीं है यार, देख तो लो। प्लीज सबा, मुझे अपना पीस ऑफ माइंड बहुत अजीज है, मुझे नहीं देखनी है सारी चीजें, प्लीज। मम्मा ने इनसे कमिटमेंट कर लिया और तुम्हारी बर्थडे वाले दिन ये आएंगे। ऐसे कितने लकी हो ना तुम, मॉम डैड कितनी फिक्र करते हैं ना तुम्हारी, दोनों तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हें टोकते हैं। मेरी बारी में तो बस जी नहीं सना, खुशनसीबी ये नहीं होती है कि इंसान के पास कोई बहुत बड़ा घर हो, महंगे महंगे कपड़े हो, गाड़ियां हो। खुशनसीब वो होता है जो अपने एक छोटे से घर में अपनी मर्जी के कपड़ों में खुश हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो उसको। बच्ची पहली दफा आई है दफ्तर, इसको थोड़ी देर बैठ लेने दे। बस साइट पर जाना है, सोचा कि ऑर्फनेज फाइल ले लूं, ये स्टडी करना चाह रहे हैं। ओके। आप सलार की बर्थडे पर आ रही हैं ना? या डेफिनेटली वी विल बी देयर, वी विल बी वेटिंग। श्योर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय बाय। Assalamualaikum. Assalamualaikum. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, nice to see you. Nice to see you too. Okay. ये ज़ेरा और साहिबा भी आई थी, सब खैरियत? हाँ, वो साहिबा wanted to study the project, तो मैंने उसको फाइल देनी थी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, साहिबा का बिजनेस सेंस भी बिल्कुल ज़ेरा की कॉपी है। She's an intelligent girl. I'm impressed. काश काश मेरा भी कोई बेटा होता। क्या क्या हुआ? मेरा तो है, बात करूं? वाकई? That's great. बस यहीं पे रोक देना भैया। अल्लाह शुक्र, ये पकड़ना भाई जरा, आज तो बताए बगैर आया ना, देखना पप्पा मुंह बनाएंगी। क्यों मुंह बनाएंगी भाई, इतना सामान लेकर आया, आज तो सर पे बिठाएंगे हमें। अस्सलामुअलैकुम, आए मुमानी, आए आए, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आए तो पहले ये तो उठाओ, इतना भारी है ये तो। जी आए, आ जाओ भाई, आ जाओ, ध्यान से ध्यान से। माशाल्लाह से नमीरा के तो ददियाल से बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन हम ना अपनी बेटी को खानदान में नहीं देना चाहते, खानदान से बाहर ही करेंगे शादी। क्यों, आपके खानदान में कोई बुराई है? अरे नहीं, बुराई तो कोई नहीं है,
बताया नहीं तुमने? दरअसल हम बेटे के लिए लड़की खानदान से ला रहे हैं ना, तो वही लड़की देकर हम प्रेशर में नहीं आना चाहते। ओह सॉरी, मुझे लगा कोई रिश्तेदार आए हुए होंगे, लेकिन आप लोग तो रिश्ते वाले हैं। अरे मुमानी जान, आराम से पांव ऊपर रखकर बैठे, रिलैक्स हो जाए, अपना घर समझें। अरे ये बताओ, हमें इस भट्टी में क्यों झोंक दिया? वहां ले जाते ना ड्राइंग रूम में, वहां एसी तो चलता है कम से कम। और ये अम्मा कहां रह गई तुम्हारी? अम्मी, अम्मी ड्राइंग रूम में वो खटमल मार दवा डाल रही है। हैं? खटमल मार दवा? लेकिन वहां तो निम्मी के रिश्ते वाले नहीं आए हुए? वो शायद अभी आ गए होंगे, हटो साइड पे, मैं देखता हूँ। हे सितारा, ड्राइंग रूम में कहां पहुंच गई थी? किसने कहा कि वहाँ रिश्ते वाले हैं? मैं जब अंदर आ रही थी ना, तो ड्राइंग रूम से आवाजें आने लगी, मुझे लगा आप लोग वहाँ बैठ गए, तो इसलिए मैं वहाँ चली गई। आपको पता है वहाँ कौन आया है? वो जो सलमा खाला कल रिश्ते वालियों को लेकर आई थी ना, जिनको आपने किरण के लिए मना कर दिया था, ये क्या कि लड़की की उम्र ज्यादा है, वही औरतें आई हुई। देखा आपने, सलमा खाला कितनी तेज है, कैसे उन रिश्ते वालों को यहाँ ले आई फौरन। इसमें तेज होने वाली क्या बात है, अब लड़के की उम्र ज्यादा थी, और वैसे भी निम्मी तुमसे बड़ी है, तो निम्मी के साथ तो वो ठीक ही लगेगा ना। हाँ लेकिन बात सुनो, कहीं भी फूफो के सामने ये ना कह देना कि इसलिए मना किया था। क्या मना कर दिया भाई? अरे कुछ भी नहीं, क्या मना कर दिया है, हम माशाल्लाह से खैर से निम्मी का रिश्ता कर रही हो है? अरे नहीं, बस ऐसे ही, वो तो देख रही हूँ अभी। अच्छा, अब वही मैं कह रही थी, अभी निम्मी की उम्र ही क्या है, अभी तो छोटी है, इतनी जल्दी क्या है भाई शादी की। हाँ और क्या भाई, वो सलमा है ना, वो जिद कर रही थी, तो मैंने बोला ले आओ। अब इतने रिश्ते आ रहे हैं निम्मी के, अब सबको तो नहीं मना किया जा सकता है। समझ सकती हूँ मैं, वैसे औलाद है, कोई शो पीस तो है नहीं कि भाई बंदा किसी के सामने भी पेश कर ले लो। देखो लेकिन कोई बात नहीं, ये देखो मैं तुम्हारे लिए भात लेकर आई हूँ। अरे क्या जरूरत है भाभी इन सब चीजों की? यही बात मैं शौकत से कह रही थी कि भाई क्या जरूरत है इन सब चीजों की, लेकिन तुम बार बार फोन कर करके उन पे जोर दे रही थी ना, फरमाइश किए जा रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं भाई जाओ जाकर दे आओ शायदा, तो हम फिर ले आए। फूफो ये देखिए कितना सारा सामान लेकर आई ताई आपके लिए, मैं आपको ना दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज है। सितारा बेटा जरा निम्मी के पास चली जाओ, ड्राइंग रूम में बर्तन पड़े हैं ना, जरा समेट लो। ठीक है पप्पा। मैं भी देख। अरे कहाँ जा रही हो तुम, तो बैठो। मैं तो कह रही थी कि भाई क्यों हमें भट्टी में झोंका हुआ है, अगर तुम्हारे मेहमान चले गए निम्मी के ससुराल वाले, तो वहाँ खुले में चल के बात करते ना, एसी चला के थोड़ा अच्छे माहौल में। हाँ बस समेट ले चलते हैं। भाई ये देख लो, अब भाग का सारा सामान देख लेना है। अरे पे क्या जरूरत है इन सब की, बस जरूरत क्या, तुमने कहा तो हम ले आए, बस अब कोई शिकवा मत करना, जो जो तुमने लिस्ट बताई थी अपने भाई को सब रख दिया हमने।